लोकतंत्र के महापर्व पर जहां लोग सुबह से अपने वोटिंग करने पहुंच रहे, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैंस जो भी देखिए अपने ग्रामीणों के साथ अपने धर्मपति के साथ यहां पर पहुंचा हुए है और अभी अपने बारी की इंतजार कर रहा है। तो निश्चित रूप से ये महापर्व ये जो पर्व है बड़ा हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं इनके साथ में इनके जो परिजन है, इनके जो धर्मपति है वो भी पहुंचे हुए हैं। सर आप भी लाइन में खड़े हैं? सर आप भी लाइन में खड़े हैं? अनुशासन जरूरी है, अनुशासन में है जी। सर ये जो एरिया है पहले कैसा था और आप कैसे बदल आ रहे हैं? देखिए हम लोग क्षेत्र बदलना चाह रहे हैं, बस्तर का विकास और छत्तीसगढ़ का विकास हमारा प्राथमिकता है। बस्तर का विकास सरकार बनेगी, हम छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। आप एक पीसीसी अध्यक्ष बावजूद अपने आम आदमी की तरह खड़े है और ठीक है, अनुशासन है, अनुशासन से बड़ा कुछ नहीं है। तो देख सकते हैं जो इसी आम आदमी अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं अपने मतदान करने के लिए खड़े हुए, वैसे ही जो दीपक बैज जी ये भी अपने बारी की इंतजार कर रहे हैं और अपने वोट देने के लिए ये लाइन में कतार में खड़े हैं।